नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन एंड इंडियन कल्चर में स्वागत करती हूँ। तो दिवाली शुरू हो चुकी है और दिवाली का पर्व है वो 5 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले धनतेरस के दिन, मतलब दिवाली के 2 दिन पहले और दिवाली के 2 दिन बाद तक धनतेरस दिवाली का पर्व मनाया जाता है। तो आज हम वीडियो में जानकारी देंगे कि धनतेरस को कितने दिन जलाने चाहिए। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। धनतेरस पर दीपक जलाने से जुड़ी कुछ खास बातें जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि धनतेरस पर दीपक जलाने से जीवन में सफलता मिलती है और घर परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है। धनतेरस पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और वह प्रसन्न भी होती हैं। धनतेरस पर दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है और धनतेरस पर दीपक जलाने से जीवन में धन प्राप्ति का योग बनता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धनतेरस पर दीपक जलाने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक रखें। घर के बाहर दक्षिण दिशा में एक पुराने दीपक में 4 बाती लगाकर सरसों के तेल से जलाएं और इसे ही यम का दीपक कहा जाता है। धनतेरस पर घर के सबसे ऊंचे स्थान पर 12वां दीपक रखें ताकि परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और घर के आंगन में 13वां दीपक जलाएं, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना किचन एंड इंडियन कल्चर पर। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्णा।